भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्र में दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी का महापर्व कब रहेगा तथा दुर्गा नवमी का पर्व कब रहेगा एवं विजयादशमी कब रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष में चार बार नवरात्रि आती है, दो गुप्त नवरात्रि होती है तथा दो प्रकट नवरात्रि होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा से नवमी तक होती है उसे प्रकट नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है तथा इसे शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। शारदीय नवरात्र का आरंभ इस बार 15 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन से हो चुका है और इस बार शारदीय नवरात्रि में कुल देवी का पूजन महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी के दिन किया जाएगा। सभी को अपने अपने परिवार की कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुल देवी का पूजन नहीं करते हैं तो हमारे परिवार में देवी दोष लग जाता है। इसलिए कुल देवी का पूजन प्रत्येक परिवार को अवश्य करना चाहिए। इस बार शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर 2023 रविवार को है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा अर्चना भी की जाती है। तो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 21 अक्टूबर 2023 की रात को 9:54 से हो जाएगा, जो कि 22 अक्टूबर 2023 की रात को 8 तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो आपको दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी का जो व्रत है वो भी 22 अक्टूबर 2023 को रखना है तथा कुल देवी का पूजन भी इसी दिन करना है। हालांकि कुछ परिवारों में, कुछ घरों में ऐसी भी परंपरा है कि रात्रि के समय वो कुल देवी का पूजन अर्चन करते हैं, तो ऐसे में उनको 22 अक्टूबर 2023 रविवार को ही रात्रि में पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत एवं पूजन नहीं मान्य होता है। हमेशा अगली तिथि के साथ जुड़ी हुई जो अष्टमी होती है यानी नवमी युक्त जो अष्टमी होती है उसी का व्रत रखना चाहिए और उसी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो सभी को अपने अपने घर में, परिवार में कुल देवी का पूजन इस बार 22 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन ही करना है तथा दुर्गा अष्टमी का व्रत भी इसी दिन रखना है। हमारे शास्त्रों में ऐसी भी परंपरा है कि यदि आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाते हैं तो केवल अष्टमी नवमी भी व्रत रख लेंगे तो भी आपको संपूर्ण नवरात्रि का पुण्य प्राप्त होगा। तो आप यदि महाअष्टमी दुर्गा अष्टमी का व्रत रखेंगे तो आपको 22 अक्टूबर 2023 के दिन ही व्रत रखना है और इसी दिन माता रानी का पूजन अर्चन करना है। इसी दिन व्रत रख करके हमारे परिवार की कुल देवी का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7:30 से शुरू होकर के दोपहर 12 तक रहेगा। चर, लाभ और अमृत तीन चौघड़िये इस दौरान शुभ कार्य के लिए, पूजन पाठ के लिए, खरीददारी के लिए अत्यंत शुभ रहेंगे और दोपहर के समय जो मुहूर्त प्रारंभ होगा वो 1:30 से शुरू होकर के दोपहर 3 तक रहेगा। यह शुभ का चौघड़िया रहेगा तथा शाम का जो मुहूर्त रहेगा, क्योंकि कुल देवी का पूजन अधिकतम घरों में, परिवारों में शाम के समय किया जाता है, सूर्यास्त के बाद किया जाता है, तो शाम का जो मुहूर्त है वो 22 अक्टूबर 2023 रविवार की शाम को 6 से लेकर के 10:30 तक शुभ अमृत एवं चर का मुहूर्त रहेगा तथा इस दिन संधि पूजा का मुहूर्त रात को 7:35 से प्रारंभ होकर के रात्रि 8:22 तक रहेगा। तो सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी का महापर्व कुल देवी का पूजन 22 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन ही करना चाहिए और इसके अगले दिन
महानवमी का, दुर्गा नवमी का पूजन अर्चन किया जाता है, क्योंकि महानवमी दुर्गा नवमी के दिन कई परिवारों में कुल देवी के पूजन के साथ साथ हवन कार्य भी संपादित किया जाता है, या फिर नवरात्रि का समापन कार्य भी इसी दिन करते हैं। नवमी के दिन कन्या भोजन करवाते हैं, नवमी के दिन अपने घर परिवार में देवी का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो नवमी है, शारदीय नवरात्रि की जो नवमी है, वो 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को है। इस दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन किया जाएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर 2023 की रात को 8 बजे से 23 अक्टूबर 2023 की शाम को 5:45 तक रहेगी। नवमी तिथि शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन, यज्ञ, कन्या पूजन, कन्या भोजन करवाया जाता है। साथ ही कई घरों में और कई सार्वजनिक स्थानों पर इस दिन भंडारा भी आयोजित किया जाता है। महानवमी का जो पूजन किया जाएगा वो 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 तक अमृत का चौघड़िया रहेगा, तथा उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, एवं दोपहर का जो मुहूर्त रहेगा वो 1:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक चार लाभ और अमृत का चौघड़िया रहेगा, और शाम का जो मुहूर्त रहेगा वो शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 तक चर का चौघड़िया रहेगा। इसके बाद आता है दशहरा, जिसे विजया दशमी कहते हैं। सभी को दशहरे का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में 3.5 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें से विजया दशमी भी एक अबूझ मुहूर्त है, यानी शारदीय नवरात्रि का जो दशवा दिन होता है उसे विजया दशमी कहते हैं, या दशहरा के नाम से भी जानते हैं। इस बार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर की शाम को 5:45 से हो जाएगा, और दशमी तिथि का समापन 24 अक्टूबर को दोपहर 3:15 पर हो जाएगा। हालांकि कई पंचांगों में इस बार 23 अक्टूबर को भी विजया दशमी का पर्व लिखा हुआ है, क्योंकि उनका मानना यह है कि जिस रात्रि में दशमी तिथि तारों को देखती है उस रात्रि में विजया दशमी का महापर्व मनाना चाहिए, रावण दहन इसी रात्रि में करना चाहिए। लेकिन अधिकतम जो हमारे धर्म ग्रंथ है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि, सभी में लिखा हुआ है कि जो सूर्योदय व्यापिनी दशमी होती है, अपरान्न व्यापिनी जो दशमी तिथि होती है, उसी में विजया दशमी का महापर्व मनाना चाहिए। तो इस प्रकार सभी लोगों को 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन ही विजया दशमी का महापर्व मनाना चाहिए। 24 अक्टूबर को ही सर्वोत्तम विजय मुहूर्त रहेगा। इसी दिन दशमी तिथि रहेगी, इसी दिन रावण दहन किया जाएगा, दशहरा यानी इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। 24 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से लेकर के 2:43 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त या उस दिन का जो शुभ समय रहेगा वो दोपहर 11:43 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहेगा। इस दौरान आपको विजया दशमी का महापर्व मनाना चाहिए। सनातन धर्म में विजया दशमी के महापर्व का विशेष महत्व है। संपूर्ण भारत ही नहीं, वरन विदेशों में भी जहां पर भारतीय लोग निवास करते हैं, वहां पर विजया दशमी का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस महापर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके बुराई का अंत किया था। वहीं एक मान्यता के अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर नामक राक्षस का वध इसी दिन किया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन विजया दशमी का महापर्व मनाया जाता है। इसे विजय मुहूर्त कहा गया है, यानी इस दिन बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, जैसे नया वाहन खरीदना हो, नए घर में प्रवेश करना हो, या नए घर के लिए गृह निर्माण कार्य आरंभ करना हो, या फिर अन्य कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम
आप करना चाहते हैं तो बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे, आपको विजयादशमी के दिन प्रत्येक नए कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। नवरात्रि जो व्रत होता है उसका पारणा भी दशमी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्र का व्रत का जो पारणा होगा वो 24 अक्टूबर 2023 की सुबह 6:27 से लेकर के 8:27 तक किया जाएगा। निर्णय सिंधु के अनुसार नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा से नवमी तक करना श्रेष्ठ है और पूरी नवरात्रि का व्रत इसमें रख करके अगले दिन यानी दशमी तिथि के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। तो आपको 24 अक्टूबर 2023 विजयादशमी के दिन नवरात्रि व्रत खोलना है। देवी दुर्गा तेज शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में मां जगदम्बा की आराधना करने वाले के सुख, शक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। नव का अर्थ है 9 और नया। शारदीय नवरात्रि से प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है, ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। यही वजह है कि नवरात्रि की अवधि में उपासक संतुलित और सात्विक भोजन करके अपना ध्यान, चिंतन और मनन लगाते हैं और स्वयं के भीतर से शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं। इससे ऋतु परिवर्तन का बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। इसके साथ ही मां दुर्गा की पूजा पूर्ण शुद्धि के साथ में संपन्न कर पाते हैं। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। पहली देवी का नाम शैलपुत्री है, दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी और तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं को सिद्धिदात्री कहा गया है। वहीं दसवीं देवी का नाम अपराजिता होता है। तो इस प्रकार 9 दिनों तक नव दुर्गा की आराधना, पूजा तथा सेवा की जाती है और नवमी के दिन हवन पूजन करके सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है। जिस दिन खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी और अन्य भोज्य पदार्थ शुद्ध और पवित्र तरीके से तैयार करके माता रानी को भोग लगाएं। उसके बाद सबसे पहले कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन करवाना चाहिए। कन्याओं का यदि आपने पूजन अर्चन कर लिया, उनको भोग लगा दिया, तो समझ लो कि माता रानी को आपने भोग समर्पित कर दिया। साथ ही विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से हवन पूजन आप संपन्न करवा सकते हैं। यदि विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो मां दुर्गा का जो बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इसकी 11 आहुति प्रदान करके भी आप हवन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप हवन करेंगे, पूजन करेंगे, कन्या भोजन करवाएंगे और व्रत का पारणा करेंगे तो निश्चित तौर से माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही कई परिवारों में, कई घरों में ऐसी परंपरा है कि जब अष्टमी का कुल देवी का पूजन हो जाता है तो उसके बाद वो व्रत खोल लेते हैं, यानी प्रसाद ग्रहण करना ही होता है, क्योंकि देवी का जब तक प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए यदि आपके घर में, परिवार में ऐसी कोई परंपरा है तो आप अष्टमी के दिन भी कुल देवी का पूजन अर्चन करके भोजन प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और यदि आपके घर परिवार में नवमी के दिन कुल देवी का पूजन करके या दुर्गा जी का पूजन अर्चन करके भोजन ग्रहण करना होता है तो आप कर सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। और यदि संभव हो तो दशमी के दिन सुबह आप व्रत का पारणा करेंगे तो भी अति उत्तम रहेगा। इस प्रकार आपको अष्टमी, नवमी और विजयादशमी का महापर्व मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप नवरात्रि के निमित्त कन्या भोजन करवाना चाहते हैं या हमारे माध्यम से हवन पूजन अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य यदि शारदीय नवरात्रि के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शारदीय नवरात्र का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।